हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हरी धनिया की चटनी। चटनी तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हरी धनिया की या पुदीने की चटनी हमारी काली हो जाती है। उसके लिए हम एक अलग से टिप्स लेके आए हैं। इसके लिए हमने धनिया को धो लिया है, धो के मिक्सी में डाल लिया है। उसमें लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, नमक, जो भी हम डालते हैं, भुना हुआ जीरा, ये सब चीज़ों को हमने डाल लिया है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है बर्फ़। अगर हम चटनी बनाते हुए उसमें एक दो टुकड़े बर्फ़ के डाल दें तो चटनी का कलर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता, चटनी एकदम हरी की हरी रहती है। उसको हम दो तीन दिन रखने के बाद भी देखते हैं तो हमारी चटनी हरी की हरी ही रहती है, उसका कलर बिल्कुल भी काला नहीं होता और वो बिल्कुल ताज़े जैसी रहती है। तो इस तरह से हमारी चटनी तैयार है। तो ये था आज का हमारा चटनी को लेकर टिप। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।